हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मंडे न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कैप्टन मार्वल के अपडेट के बारे में, और बात करेंगे एवेंजर एंड गेम के बारे में और कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैप्टन मार्वल के अपडेट के बारे में। तो फाइनली कैप्टन मार्वल की रनिंग टाइमिंग रिवील्ड हो चुकी है, जो कि कंफर्म करी है AMC ने। उन्होंने ये दावा करा है कि कैप्टन मार्वल की जो रनिंग टाइमिंग है वो है 2 घंटा 10 मिनट की। उन्होंने ये भी बताया कि ये रनिंग टाइमिंग काफी ज्यादा कम है और फैंस इससे ज्यादा खुश भी नहीं है। उनका मानना था कि इस मूवी को सोलो मूवी के हिसाब से 2 घंटा 40 मिनट की होनी चाहिए कायदे से। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और फाइनली कैप्टन मार्वल मूवी में एक और विलेन कंफर्म हो चुका है, जिसका नाम है ग्रे। तो ये विलेन काफी कमाल का है, जो कि मैन ऑफ स्टील टाइप की इसकी बॉडी है। तो देखते हैं कैप्टन मार्वल इससे कैसे लड़ती है। और फाइनली शज़ाम का सेकंड ट्रेलर कंफर्म हो चुका है 19 जनवरी को। तो यही दोनों मैं अपडेट अपने पहले ही फेसबुक पेज पर डाल चुका हूं और कम्युनिटी टैब पर। देन उसके बाद डीसी का एक और कमाल का अपडेट, तो बैटमैन मूवी काफी टाइम से डिले हो रही है। इसकी शूटिंग फाइनली कंफर्म हो चुकी है, जो कि होगी 2019 में नवंबर से महीने में, यानी कि काफी टाइम है अभी भी शूटिंग ऊपर। नवंबर में इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। डम्बो के काफी सारे फर्स्ट लुक और पोस्टर लॉन्च हुए हैं। तो फाइनली ये सारे फर्स्ट लुक मैंने अपने फेसबुक पेज पर डाल रखे हैं, तो अगर आपको देखने हैं तो आप जाके देख सकते हो, अगर आप डम्बो के फैंस हो। जॉन विक चैप्टर 3 का एक और नया फर्स्ट लुक कमाल का लॉन्च हुआ, जैसा कि आप रिसेंट में देख रहे हो। तभी इसकी पहली ही इमेज लॉन्च हुई है। देन इससे पहले काफी भी सारी लॉन्च हुई, पर उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। देन स्पाइडरमैन मर्चेंडाइज लॉन्च हो चुका है फार फ्रॉम होम का, तो उसमें हमें काफी सारी चीजें देखने को पता चलती है, जिससे कि इसमें उसका सूट भी नजर आता है, जो कि फुल डिटेल में है। और फाइनली एस्केप रूम का बी मिला है सिनेमा स्कोर। थोड़ी थोड़ी ये मूवी ठीक ठाक बता रहे हैं, पर अभी तक मैंने ये मूवी नहीं देखी है, तो उसका मैं रिव्यू भी नहीं देना चाहूंगा। और फाइनली बात करते हैं आज के सबसे बड़े अपडेट के बारे में। तो जापान में हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन मार्वल कंपनी ने एक पोस्टर लॉन्च करा, जिसमें कि आप रिसेंट में देख रहे होंगे, और ये पोस्टर मैं अपने कंपनी टैब पे भी डाल दूंगा। इसमें 16 से 18 कैरेक्टर के नाम लिख रहे हैं, जो कि जापानीज लैंग्वेज में लिख रहे हैं। तो अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि वो कैरेक्टर कौन कौन से हैं, और बताया ये जा रहा है कि इसमें जितने भी कैरेक्टरों के नाम लिखे जा रहे हैं वो सारे के सारे सर्वाइव कर चुके हैं। तो काफी बड़ा अपडेट है। और देन इसके साथ एक छोटा सा प्रोमो वीडियो लॉन्च करा गया था, जो कि पूरे इंडिया में कहीं लॉन्च नहीं हुआ, वो जापान में लॉन्च हुआ था। और ये आर्टिकल आया था जापान के एक न्यूज़पेपर में। तो कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे पेज को लाइक करें। यदि मैं आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उस पर आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो, और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।